हाय गाइज़ आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यू यानी कि टेथर के बारे में जो कि एक कंपनी इशूड स्टेबल कॉइन है इसे इशू करती है टेथर जो कि एक आई फिनिक्स की कंपनी है आई फिनिक्स बिटफिनिक्स नाम के क्रिप्टो एक्सचेंज को भी रन करती है बिट फिनिक्स और टेथर के अकॉर्डिंग हर टेथर यू टोकन एक डॉलर से बैग्ड है यानी कि जब भी मैं या आप यू खरीदते हैं तब वो एक डॉलर अपने बैंक अकाउंट में रख देते हैं ताकि हम जब भी विड्रॉ करने जाएं, तो वो हमें वो एक डॉलर वापस दे दे। लेकिन ये झूठ है न्यूयॉर्क अटर्नी जनरल के ऑफिस के इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग बिट के 850 मिलियन डॉलर के लॉस को छुपाने के लिए आई ने टेथर के रिजर्व में से 625 मिलियन डॉलर्स विड्रॉ किया ताकि वो अपने कस्टमर्स और अपने कस्टमर्स के विड्रॉल को प्रोसेस कर सके और अपने एक्सचेंज की लिक्विडिटी को मेंटेन कर सके इस इन्वेस्टिगेशन के बाद न्यूयॉर्क अटर्नी जनरल जेम्स लेटीटा ने उन पर एटीन मिलियन डॉलर्स का फ़ाइन लगाया और उनके बीच में ये अग्रीमेंट हुआ कि नेक्स्ट दो साल तक आईफिनेक्स अपने टेथर के रिज़र्वस को क्वार्टरली रिवील करेंगी तो आइए देखते हैं मे 13 को रिलीज़ किए गए मार्च थर्टी के क्वार्टरली रिजर्व्स के ब्रेकडाउन हम इस रिजर्व में देख सकते हैं कि इसमें से 75.85 परसेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में हैं हम इनके कैश इक्विवेलेंट्स को बैरली कैश इक्विवेलेंट्स मान सकते हैं लेकिन पहले दूसरी चीज़ों पर नज़र डालते हैं 12.55 परसेंट इन सिक्योर्ड लोन्स ये लोन्स किसको दिए गए हैं किस चीज़ से सिक्योर्ड है ये टेथर को छोड़कर और किसी को नहीं पता 9.96 परसेंट इन कॉरपोरेट बॉन्ड्स एंड प्रेशियस मेटल्स एक कॉरपोरेट बॉन्ड एक कंपनी इशू करती है ताकि वो अपने लिए फंड्स रेस कर सके जब भी हम कॉरपोरेट बॉन्ड खरीदते हैं तब हम बेसिकली किसी कंपनी को लोन में अपने पैसे देते हैं और इस गारंटी पे कि वो हमें बाद में ये लोन वापस कर देगी तो इसीलिए लिए कॉरपोरेट बॉन्ड का वैल्यू उतना ही होता है जितना उसे इशू करने वाली कंपनी की क्रेडिबिलिटी ये कॉरपोरेट बॉन्ड्स किस कंपनी के हैं ये हमें नहीं पता ये सिर्फ टेथर को पता है और कॉरपोरेट बॉन्ड्स और प्रेशियस मेटल्स के रेशियो को भी टेथर ने नहीं रिवील किया है और ये बहुत ही ऑर्ड पेरिंग है कि प्रेशियस मेटल्स एंड कॉरपोरेट बॉन्ड्स को साथ में क्लब किया गया है इस पाई चार्ट में 1.64 परसेंट इन अदर इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूडिंग डिजिटल करेंसी कौन सी कंपनी अपने अकाउंट को पाईचार्ट्स में रिवील करती है इस पाई चार्ट के साथ कोई राइटअप नहीं है कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है अब चलिए नज़र डालते हैं इनके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की तरफ ये एक अलग पाई चार्ट है जो अलग ब्रेकडाउन दिखाता है और इनके परसेंटेज 100 परसेंट में सिक्सटी फाइव परसेंट इन कमर्शियल पेपर कमर्शियल पेपर बॉन्ड्स की तरह ही होती है इसे भी कंपनीज इशू करते हैं बस बॉन्ड्स और कमर्शियल पेपर में ये डिफरेंस होता है कि कमर्शियल पेपर की मेचोरिटी बारह महीने से पहले होती है तो इसीलिए ये एक ईयर के अंदर रियलाइज हो जाती है तो इसीलिए इन्हें कैश इक्विवेलेंट्स की तरह माना जाता है क्योंकि ये कैश की तरह ही लिक्विड होती है यहाँ पर भी हमें नहीं पता कि ये कम, ये लोन्स किस कंपनी को दिए गए हैं ये लोन्स अगर अच्छे कंपनी को दिए गए हैं तब इन्हें कैश माना जा सकता है लेकिन ये लेकिन ये बाइनेंस या वजीरेक्स जैसे एक्सचेंजेस को फ्री में टेथर प्रिंट करके देने के लिए फ्रंट भी हो सकता है कि वो उन्हें टेथर इशू कर देती है और उन्हें जो पेमेंट मिलने वाला है उसे लोन की तरह लिख कर अपने अकाउंट्स में रख देती है ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू परसेंट इन फीड्यूशियरी डिपॉजिट्स फड्यूशियरी डिपॉजिट्स में कोई भी कंपनी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अपने पैसे देती है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फड्यूशियरी कहा जाता है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी के लिए किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वो पैसे दे देती है ये इस सिनेरियो में फूशरी कौन है ये भी टेथर ने रिवील नहीं किया है 3.87 परसेंट इन कैश फाइनली जो पहले टेथर मानती थी कि 100 परसेंट कैश बैक्ड है वो असलियत में सिर्फ 3.87 परसेंट ही कैश से बैक्ड है नेक्स्ट है 3.6 परसेंट इन रिवर्स रिपो नोट्स रिवर्स रिपो नोट्स क्या होता है यह टैथर को छोड़कर किसी को भी नहीं पता आप किसी सेंट्रल बैंकर किसी भी सेंट्रल बैंकिंग एक्सपर्ट या बैंकिंग एक्सपर्ट से भी जाके पूछ लीजिए जो रिपो में डील करते हैं उन्हें भी नहीं पता कि रिवर्स रिपो नोट्स होते क्या हैं 2.94 परसेंट इन ट्रेजरी बिल्स ये यूएस गवर्नमेंट द्वारा इशू ट्रेजरी बिल्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनका मेचोरिटी फिफ्टी वीक्स के अंदर अंदर होता है इन्हें कैश इक्वलेंट माना जा सकता है अब अगर हम उनके पूरे रिजर्व की तरफ देखते हैं तो उनके पास सिर्फ 5.17% परसेंट की ही कैश बैकिंग है बाकी सब लैंडिंग के थ्रू रेस की गई है या प्रेशियस मेटल्स के थ्रू और मार्च 31, 2021 में उनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई 41 बिलियन डॉलर्स थी और इसकी बैकिंग है सिर्फ 5.17% परसेंट जो कि आती है अप्रॉक्सीमेटली 2.1 बिलियन डॉलर्स के आसपास अब आते हैं 2019 में 2019 में इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके लॉयर्स टू हेगनर एम सॉरी फम मिस प्रनाउंसिंग इज नेम उन्होंने एक एफिडेविट साइन किया था जिसमें उन्होंने माना पहली बार की टैथर हंड्रेड परसेंट बैग नहीं है बल्कि सेवेंटी फोर परसेंट बैग्ड है और इस एफिडेविट में उन्होंने जब टू पॉइंट एट बिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई था तब माना कि उनके पास टू पॉइंट वन बिलियन डॉलर के ही रिज़र्व है यानी कि उनके पास अभी भी सिंस टू पॉइंट वन बिलियन डॉलर का ही कैश का रिजर्व है यानी कि तब से दो हज़ार उन्नीस से दो हज़ार इक्कीस तक उन्होंने सिर्फ लैंडिंग पर ही टैथर इशू किया है टैथर के इ रिस्पॉन्सिबल यूएसडी टी प्रिंटिंग को काफी लोग कहते हैं कि टैथर के इस इिसपॉन्सिबल प्रिंटिंग की वजह से ही बिटकॉइन की प्राइस 2020 में इतनी बुलिश रन पे थी लेकिन इस वीडियो में हम लोग उस पर इतना फोकस नहीं करेंगे इस पर भी हम बाद में एक वीडियो बनाएंगे आज हम लोग सिर्फ उनके रिजर्व पर फोकस करते हैं अगर हम मान भी लेते हैं कि इनका रिजर्व क्रेडिबल है कि हम चाहे तो कभी भी यूएसडी टैथर इनसे विड्रॉ कर सकते हैं लेकिन तब भी हम अगर इनके टर्म्स एंड कंडीशंस की तरफ नजर डालें तो हमारे सस्पिशंस और भी बढ़ जाते हैं टेथर रिजर्व द राइट टू डीले द रिडम्पन और विड्रॉल ऑफ टेथर टोकन्स इफ सच डीले इज नेटेड बाई द इन लिक्विडिटी और अन अवेलेबिलिटी और लॉस ऑफ एनी रिजर्व हेल्ड बाई टेथर टू बैक द टेथर टोकन्स इसका मतलब कि टेथर कभी भी अपने रिजर्व को लूज कर देता है या मिसमैनेज करता है उनके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या उनके कमर्शियल पेपर फेल कर जाते हैं तो टेथर के पास कोई लाइबिलिटी नहीं है कि वो आपके विड्रॉल को इंस्टेंटली प्रोसेस करे, वो आपके विड्रॉल को 10 साल बाद भी प्रोसेस कर सकता है 20 साल बाद भी प्रोसेस कर सकता है एंड एज एन इंडियन सिटीजन आपके पास कोई लीगल रिकोर्स नहीं रहेगा कि आप टेथर से वो पैसे वापस मांग सके क्योंकि टेथर इंडिया में बेस्ड है ही नहीं आइए दूसरी तरफ देखते हैं एंड and... टैथर रिजर्व द राइट टू रिडीम टैथर टोकन बाई इनकाइंड रिडेमशन ऑफ सिक्योरिटी एंड अदर एसेट्स हेल्ड इन द रिजर्वस इसका मतलब कि वो आपके एक यूएस डॉलर को वापस करने की जगह आपको कोई सिक्योरिटीज भी पकड़ा सकता है चलिए मान लेते हैं कि उनका कमर्शियल पेपर फेल कर जाता है कि उनके कमर्शियल पेपर की वैल्यू जीरो हो चुकी है लेकिन टैथर उनके वैल्यू को वन डॉलर मान के ही आपको वो कमर्शियल पेपर भी पकड़ा सकता है और इसका वैल्यू इसका वैल्यूएशन भी टेथर खुद ही करता है तो वो आपको वर्थलेस कमर्शियल पेपर्स आपके वन यू डॉलर के बदले आपको दे सकता है अब देखते हैं लास्ट जो कि लास्ट ड्रॉ है टेथर मेक्स नो रेप्रजेंटेशन और वारंटीज अबाउट वेदर टेथर टोकन्स दैट मे बी ट्रेडेड ऑन द साइट मे बी ट्रेडेड एट एनी पॉइंट इन द फ्यूचर इफ एट ऑल इसका मतलब कि वो कभी भी अपना साइट बंद करके आपके पैसे लेकर भाग सकता है टेथर फ्यूचर के बारे में कोई गारंटी नहीं देता है कि फ्यूचर में टेथर का साइट फंक्शन करेगा या टेथर के टोकन्स फंक्शन करेंगे 2018 में भी जब उन पर अपने रिजर्व्स को मैनिपुलेट करने का आरोप लगा था तब उन्होंने डाउट को हटाने के लिए फ्रीडमैन एलएलपी एक ऑडिटिंग कंपनी को हायर किया था एक थर्ड पार्टी ताकि वो एक थर्ड पार्टी ऑडिट कंडक्ट कर सके और फ्रीडमैन एल ने जब ऑडिट कंडक्ट करना शुरू किया तब उन्होंने बीच में ही इस ऑडिट को रोक दिया उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया कि फ्रीडमैन एल बहुत ही डिटेल्ड ऑडिट कंडक्ट कर रही थी और इसमें बहुत टाइम लग रहा था इसीलिए उन्होंने फ्रीडमैन एल के साथ अपने टाइज कट कर दिए अगर कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है तो उन्हें डिटेल्ड ऑडिट से डर क्यों लगा अगर कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रांग है और उन पर इतना डाउट हो रहा था तो अगर टाइम लगता भी है तो इस ऑडिट को कंडक्ट क्यों नहीं करने दिया अगर टाइम लग भी रहा था तो किसी और थर्ड पार्टी को हायर कर लिया जाए कि वो ऑडिट कर ले जो कि कम टाइम में ऑडिट करके हमें रिजल्ट्स दे दे लेकिन टेथर ने इसके बाद कभी भी अपने फर्म का ऑडिट नहीं करवाया यूजुअली जब भी हम बिटकॉइन के बारे में कोई भी न्यूज़ सर्च करते हैं तो हमें सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ ही मिलता है वो यूजुअली पेड एडवर्टीज़मेंट की तरह ही होते हैं कि बिटकॉइन वन मिलियन इन ट्वेंटी बिटकॉइन टू मिलियन इन ट्वेंटी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज़ पर नेगेटिव न्यूज़ खोजना बहुत ही मुश्किल हो गया है तो इसीलिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें बाकी वीडियोस की तरह भी इस वीडियो के सारे इनफॉमे जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उन सब के सोर्सेज हमारे डिस्क्रिप्शन में हैं आप जा चाहे तो उन पर जाकर चेक कर सकते हैं